फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जी, पास में ही एक मार्केट है और वहाँ पर जो एक बहुत ही अच्छा पंडाल लगा है छठ को लेकर के किया है, भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल सा मूर्ति और उसके बाद गोईठा और उसके बाद अलग अलग झोपड़ी सब, तो काफी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हमें जो है अपने कुछ सब्सक्राइबर सब भी मिल गए थे। और उसके बाद जो है आज आपको दे ही देते हैं खुशखबरी जी, बहुत दिनों से सोचा था आपको बता दे। जब क्रियांश हमारे घर में आया था तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, कितने खुश थे सभी, हमको याद है जी। और अब जो है उसी तरह की एक और खुशखबरी जो है घर में आ रही है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज जो है छठ व्रत खत्म हो गया, सुबह जो है अर्घ सब हम लोगों ने दे दिया, प्रसाद खा लिया और बहुत ही मजे से खाया। और बाकी जो फल सब है अभी भी उन सबको जो है सधाना है, तो सारा फल जो है हम और डैडी मिल करके जो है उसको अच्छे से खत्म कर देंगे। क्रियांश भी हो गया है ना, क्रियांश भी खाता है, सुबह से वो चार सेब ले लिया, खाता नहीं है, उसको तोता के तरह कुतर कुतर के पूरा रूम में फेंक देता है, तो क्रियांश यही करता है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जी, पास में ही एक मार्केट है और वहाँ पर जो एक बहुत ही अच्छा पंडाल लगा है छठ को लेकर के, तो हम लोग जा करके वहीं पर घूमने वाले हैं, तो चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं जी। या क्रियांश का कपड़ा दे दो, हम उसको पहना देते हैं। आयरन यही होगा ढेर सब में, देखो वहाँ एक पहाड़ बना हुआ है जो कपड़ा का, उसी पहाड़ के बीच में होगा शायद। आज इस पहाड़ को मैं रात में ठीक करूंगा। तो हुआ क्या जी, इधर था छठ तो सभी लोग व्यस्त थे उसमें, तो इधर सामान वामान जो है सारा सब कुछ बिखरा हुआ है और इन सबको अब जो है सेट करना पड़ेगा। तो जिया तो तैयार हो गई जी और हम भी अपना तैयार है, तो हमें तैयार क्या होना है, बस एक टी शर्ट पहनना है और अपना जींस पहन लिए, हो गया हमारा तैयार। बिल्कुल अब चलते हैं जल्दी से, क्रियांश को कपड़ा पहना देते हैं। तो क्रियांश भी अब तैयार हो गया है और क्रियांश जो है अंदर नहीं घुस रहा है, सोच रहा है कि अंदर घुसेंगे, हाँ अंदर घुसेंगे तो हमको रख लिया जाएगा। और पापा का साथ नहीं छोड़ा है, जान रहा है कि पापा ही इसको बाहर ले जाएंगे। बाबा जय कर लो, जाके जय करो, जाके कुछ नहीं, अभी देखो निधर ही ध्यान है उसका। वही जय कर, डांस देख तो हम लोग निकल लिए जी घर से पंडाल की तरफ, हम क्रियांश और जिया सभी लोग जा रहे हैं। और क्रियांश भी जो है काफी खुश लग रहा था बाइक के पीछे बैठ करके। और हमें जो है पिछले साल ही पता चला था कि कटिहार में जो है छठ पूजा को लेकर भी पंडाल चलता है। छठ पूजा को लेकर के पंडाल हमने तो जी पहले कभी नहीं देखा था और कटिहार में ही इस बात को देखा है। क्या आपके शहर में छठ को लेकर के पंडाल लगता है, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी नॉलेज मिलेगा। और जब यहाँ गए जी पंडाल को, तो कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया था पूछिए मत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितना आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, अगर आप सामने से जाते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ पर इसकी जो खूबसूरती को है इसको हम बता नहीं सकते इस वीडियो के जरिए, वो आपको दिखाया नहीं जा सकता। और यहाँ देखा कि बिल्कुल एकदम जो ग्रामीण टच होता है ना, बिल्कुल अपना एक लग रहा था, पुराना जो गांव होता था उसका जो एक रूपरेखा होता था, इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल सा मूर्ति और उसके बाद गोईठा और उसके बाद अलग अलग झोपड़ी सब, तो काफी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हमें जो है अपने कुछ सब्सक्राइबर सब भी मिल गए थे, तो उन सब्सक्राइबर के जरिए भी बातचीत हुई। कुछ सब्सक्राइबर सबसे मैंने जानने की कोशिश की आप लोगों ने पहले हमें कहाँ देखा, तो किसी ने टिकटॉक पर पहले देखा, किसी ने यूट्यूब पर पहले देखा, किसी ने इंस्टाग्राम पर देखा। तो चलिए जी, अलग अलग सोशल मीडिया का माध्यम है और बाकी सभी जगह से जो है लोग सब जुड़ रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आपका जो भाई है आप लोगों के सामने आता रहेगा और जो भी जिंदगी में अच्छा चल रहा होगा वो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तो हम लोग जी घूम करके आ गए और क्रियांश भी आ चुका है हमारे साथ, और क्रियांश को लगता है कि भूख लगी है तो कुछ देर पहले रो रहा था, हालांकि अभी कैमरा ऑन हुआ है तो थोड़ा बहुत स्माइल कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो है बस यही चल रहा था। और लगता है फिर कुछ पार्सल आया हुआ है, तो जिया देखते हैं इस बार क्या मंगवाई हुई है, खोलना दिखाऊंगी। दो तीन दिन पहले आया है, खोले नहीं थे, मतलब छठ पूजा में देख लो, रिटर्न का पीरियड ओवर हो गया हो। रिटर्न वाला नहीं है, वही शूट आया है। देखो यार, देखो मम्मी का शूट आया। मम्मी ऐसा कपड़ा पहनेगी कि कोई इसको नजर नहीं लगाएगा। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7:45 और हमारा क्रियांश भी जो है जग चुका है और क्रियांश अभी खिड़की पर खेल रहा है और हमेशा रिस्की सब ही इसका स्टेप रहता है, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ था, यहाँ से पैर इस पर रखा, फिर उस पर पैर रखा, फिर वहाँ चला गया। आप लानेंगे खिड़की पर चढ़ने की, क्रियांश को चढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो क्रियांश को यहाँ पर मिल गया झाड़ू और क्रियांश लगाया झाड़ू लगाएगा। और एक इसका जो इमोजी वाला था, ये दिखा 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 दिखा, ये इमोजी वाला ये बॉल था जिसका आधा पार्ट गायब है
और इसमें दूसरा बॉल सेट किया गया। क्रियांश फिलहाल चला गया है नीचे और जिया भी जो है उसके साथ है, तो दादा दादी और जिया मिलकर के जो है अभी क्रियांश को खिला रहे हैं और हम आ गए हैं अपने काम पर। तो अपना लैपटॉप खोल लिया है तो कुछ देर बैठते हैं और उसके बाद जो है क्रियांश को नहाना भी होता है। लगभग 2 घंटे बाद जो उसको नहाना भी होगा और पापा को कोर्ट सब भी छोड़ना है, तो फिलहाल अपना जल्दी से काम निपटा लेते हैं। One hour later. तो अब समय हो गया है जी खाना खाने का और खाना खा करके जो है पापा को कोर्ट छोड़ने का, तो चलते हैं सीधा। खाना पीना खा लिया जी, पापा को कोर्ट भी छोड़ दिया है, अब चलते हैं। कुछ सामान सब भी लेना था यहाँ बाजार से, वो ले लेते हैं। घर में रखा हुआ था मूंगफली जिया ने कोने में और क्रियांश ने कुछ इस तरह से उसको बिखेर दिया है, पूरा फैला दिया, तुरंत झाड़ू लगा के गए जी क्रियांश की। तो भाई आपने देखी ली क्रियांश की जो हरकतें हैं, और उसके बाद जो है आज आपको दे ही देते हैं खुशखबरी जी। बहुत दिनों से सोचा था आपको बता दे, पिछला जो व्लॉग हमने डाला था उसमें टाइटल भी था कि आ गई एक खुशखबरी। जी हाँ, वह खुशखबरी क्या थी वह हमने बताया नहीं था उस समय, क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी में जो है वीडियो एडिट करके हमने डाल दिया था, तो सोचा कि आज आपको बता देते हैं। जब क्रियांश हमारे घर में आया था तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, कितने खुश थे सभी, हमको याद है जी। और अब जो है उसी तरह की एक और खुशखबरी जो है घर में आ रही है, तो सभी लोग घर में बहुत ज्यादा खुश है इस बात को लेकर के, और सोचा कि हम खुशखबरी आपके साथ शेयर कर भी देते हैं। तो जी है खुशखबरी यह है कि हमारी जो बहन है उसकी शादी होने वाली है। जी हाँ, उनकी शादी जो है तय हो गई है और वह शादी जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा, तो हम लोग जो है वहाँ पर जाने वाले हैं और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सभी लोग। फर्स्ट टाइम जाने वाले वहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम जाएगी वहाँ पर, तो हम भी बहुत ज्यादा। उसके बगल में ही हमारा नानी घर है, नानी घर है, लेकिन हम वहाँ कभी नहीं गए, नानी घर गए बस। जी हाँ, तो हम भी नानी घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं पर शादी है हमारी बहन की, हमारी मामा जी की लड़की हुई थी, तो वहाँ पर जाएंगे, अपना जो नानी घर का जो याद है फिर से दोबारा हो जाएगा ताजा। और बगल में ही मेरा भी नानी घर है, तो वहाँ भी चलेंगे। तुम भी अपना नानी घर घूम लेना, वहाँ से लगभग लगता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जिया का नानी घर होगा, तो जी अपने नानी घर घूम लेगी, हम अपने नानी घर घूम लेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है जी। और जब भी किसी भी शादी फंक्शन किसी तरह का कोई भी वीडियो डलता है तो देखते हैं, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आता है उस वीडियो को देखने में, तो जी वह वीडियो भी आएगा और रेगुलर व्लॉग करेंगे। माँ भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि माँ भी बहुत दिनों बाद अपने मायके जाएंगे, लगभग उनका भी लगता है कि अच्छा खासा समय हो चुका है। तो मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश है अपने मायके जाने को लेकर के, तो सभी लोग चलेंगे। और बाकी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे आपका जो व्लॉग कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है, तो जी उसके लिए कारण ये है, जिया के दादाजी एक बार बीमार पड़ गए थे, लगभग 12 दिन वहाँ हॉस्पिटल में थे, तो उस समय हमने जो है किसी भी तरह की ब्लॉगिंग नहीं करी, सिर्फ एक सूचना दी दादाजी बीमार है जी। देखिए जी, ब्लॉग डालने का तो डाल ही सकते थे और उस पर व्यू भी अच्छे खासे आते हैं, जानते हैं जी, सिंपैथी लो इस तरह का कुछ भी करो तो व्यू अच्छा खासा आता है, लेकिन अपना मोरल अलाउ नहीं करता कि ऐसे टाइम में हम ब्लॉगिंग करें। उससे जब रिकवर हुए तो उसके बाद या की दादी हो गई हॉस्पिटल में एडमिट, फिर कुछ समय बाद जब उनका डेथ हो गया, फिर उनके बाद उनका श्राद्ध कर्म क्रिया यह सब कुछ चल रहा था, तो अच्छा खासा दिन हमारा गैप हो गया, इसलिए हमने जो है कुछ भी वीडियो नहीं डाला। और ये दीपावली से 10-11 दिन पहले ही हुआ था जिस टाइम हम लोग का ब्लॉग नहीं आ रहा था। बिल्कुल जी, तो उम्मीद करते हैं जी आप हमारी परिस्थिति को समझ गए होंगे, तो अब जो है यहाँ से हम ब्लॉग करते रहेंगे। और जानते हैं कि चैनल जो है अभी थोड़ा सा डाउन चला गया है, जाहिर सी बात ही थी, सोशल मीडिया में जब भी आप एक्टिव नहीं रहोगे तो सोशल मीडिया पर आपका चैनल जो है थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर से आप रेगुलर हो जाओगे और फिर से जो है सब कुछ वापस आ जाता है। मुझे लगता है ना कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, इतना हम लोग कंटिन्यू अभी बिल्कुल नहीं रह पा रहे, फिर भी हमारा ठीक है, ऐसा ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, और इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आप, और हां जी हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।